प्रधानमंत्री संसद का उद्घाटन करेगा। अरे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो बड़ा हो गया, आज तक देश में ऐसा कोई कानून बने है गे भाई? संसद तीन तीन चीज ज्यादा मिलकर बना, इनकी दूसरे खट्टे और योगी इनकी दो भाई हमने ठान ली, एक कटोरा और एक चमची देवांगे और कुछ नहीं गा, पल्ले जोड़ागा जाएंगे होनी जाड़ा लेवांगे, अर्जुन भैया बात देंगे नहीं, इनकी चप्पल पहन का मौका नहीं देवांगे। कट्टी तो भाई कैमला में खट्टर की भी दी थी, गया होगा उस मोगो गेहूं मोगो गया होगा धन खड़ोर गए होगे साफ है जी जी, अपनी आप आवागे नहीं, सिक्योरिटी सारी आप बैठ जाएगी। किसानकार किसान का बेटा का वादा है, इतना फैसला अटल फैसला नहीं होगा, इतना चाहे मार पर गोली चलो चाहे आंसू गैस चलो, जो बस्तर भाई जब यू किसान मजदूर मारी बेटियां के साथ उबड़ का ताल लगानी, उसकी सकोटी के उसकी मकान की में जो ईट है नी ईट भी नहीं छोड़ांगे, जिस टेम में अपनी आप आवांगे। पीके गुंडे में तो ज्यों के त्यों खड़े हैं ना, और दूसरी पार्टियों के गुंडे नंबर वन लग रहा है, सपा के या दूसरे के, जो योगी के गुंडे वो तो ज्यों के त्यों नुके नुकू मन लग रहे हैं और नुके नु प्रचार कर रहे हैं, मतलब वो चाहे कुछ करो उनकी खुली है। हाँ उनकी खुली है ली, ये तो तानाशाही हो ही रही है, आप यहाँ देख लो सरकार का संरक्षण है, ये पूरे देख लो ना आप, बोले प्रधानमंत्री संसद का उद्घाटन करेगा, अरे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो बड़ा हो गया, आज तक देश में ऐसा कोई कानून बने है गे भाई? संसद तीन चीज ज्यादा मिलकर बना है, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा तीनों ने मिलकर संसद बनाया, और सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति का, बोले उद्घाटन प्रधानमंत्री करेगा, क्यों? ये यू कहां का सिस्टम है, मतलब एक बुलाए लिखे एक को चीज है इस देश के अंदर भाई, सीधा शाब है भाई, लोकतंत्र को खत्म कर दिया जावे, आने वाला टाइम में एक को नारा दिया जावे भाई आने तो बीजेपी हर दे दो बीजेपी ने, बस जो बाहर है नहीं, जो दूसरी पार्टी से एमएलए है उसके ऊपर तो ईडी, और बीजेपी में आते दूध का धोया उजे क्या तो जे भाई, तो वो मशीन देखी नहीं आपने, कौन सी मशीन है जो बीजेपी में जाते सारे केस खत्म हो जाए? बात तो सुनो, मैंने तो एक देखी भाई, पराली में तो आग ला जाते बोला सीधी फोटो आवा है, इतने किले जले भाई, एक नहीं आई, एक दिन भी नहीं आया, बेरा तो मशीन बंद होगी, बेरा ने उसने दिखा को नहीं भाई, दोहरी चाल है सारे, दोहरी चाल कहीं भी देख लो, उनमें जाते दूध का तो बाहर जाते हो चाहे कितना साफ आदमी बोला सारा पर लगा दो, लेकिन ईडी इसके ना तो करकी है ना इसकी, दो भाई डेढ़ साल और बरत लेगा लेकिन उसके 24 में को सरकार बाहुबली माने बैठे हुई है कि मतलब उसके पास जो है वहाँ की जो गोंडा के आसपास की जो अयोध्या के आसपास की जो सीटें हैं वो भी मतलब इसके पास ज्यादा सीटें हैं, इसलिए प्रधानमंत्री इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहा। और ब्रिजभूषण ये बात कह रहे हैं कि मतलब जब तक प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे, जब तक अमित शाह नहीं कहेगा, तब तक मैं बिल्कुल, क्योंकि इस मामले में ब्रिजभूषण को प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो बिल्कुल सपोर्ट है, और इसलिए वो अपना इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। यहीं से आइडिया लगा लो ना भाई साहब, पॉक्सो एक्ट है आपने पता है, सारे जानकारी रखे हैं, पॉक्सो एक्ट जैसे आम आदमी बलग जाए तुरंत उठाया जावे लेकिन देखिए एक भी ना हो गए गोड्डे रगड़ रहे हैं उसी पकड़वाने खातर, रगड़े हो गए सारा समाज, सारा हरियाणा पंजाब यूपी सारा एरिया में आंदोलन चल रहे धरने चल रहे, लेकिन आज तक भी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही और ना कर दे। देखो कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई किसी पद पर हो, चाहे मजदूरी करने वाला हो, चाहे कोई भी हो, अगर कोई भी गलती करे तो सबके लिए बराबर है, लेकिन यहाँ कहना है कुछ बदल जे है, आम आदमी के लिए कुछ है, जो राजनीतिक लोग उनके लिए कुछ है, आम नहीं मानते, जो बीजेपी में रल जाए उनके लिए कानून में तो मानता नहीं भाई, है कानून वो तो जिस तरह अयासी करना चाहे अयासी करें, जिस तरह देश ने लूटना चाहे लूटन लग रहे हैं, मतलब एक बार बीजेपी में शामिल होकर जो मर्जी हवाई कर लो, बीजेपी तो इतनी गंदी इतनी भ्रष्ट पार्टी हो चुकी है और होने लग रही है, इससे लोगों का मोह भंग हो चुका है, और हम तो परमपिता परमात्मा ने कहा है परमात्मा इसका तोड़ा बख तना, लेकिन सरकार प्रचार कर रही कि तीसरी बार है बीजेपी सरकार, या तो सरकार सरकार झूठ का बलबूत है, पचहत्तर पार कहे कर दे, ये तो दुष्यंत मार गया, ये तो दुष्यंत मार गया, लोगों ने बकाया गया बोला मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा बीजेपी में नहीं जाऊंगा, और नहीं बैर तो बोह कर दे दिया 40 सीटों पर रुक रही है, यह तो दुष्यंत की सी तीसी हो रही है, दुष्यंत इसी धरती से कह के गया था कि मतलब मैं बीजेपी सरकार को समर्थन नहीं देगा, उसकी मदर भी कह रही थी मतलब बीजेपी को तो हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं देंगे, खिलाफ ही चुनाव लड़ा था, बिल्कुल लड़ा था, फोटो किसी की ब्याह किसी का, और ये चीजें कहेगा लोगों को बरगला गया, सर आए नारे लाए हैं बिल्कुल, और जो इसके अंदर जो दोषी है वो दुष्यंत चौटाला है, इस सरकार को 5 साल के अंदर जो लोगों का शोषण इस सरकार ने किया इसके लिए दोषी है तो सिर्फ दुष्यंत है, दुष्यंत का कितना के प्रभाव हो रहा है, दुष्यंत जीरो है, कोई कहीं एक पर्ची न्यूज नहीं, किसी कंस्टिट्यूंसी कोई पर्ची नहीं, कुछ नहीं मिलेगा दुष्यंत का मामला खत्म है।
वो तो अभी चुनाव आवेंगे दुष्यंत, मतलब ये बदनाम इतना हो गया, उसके खुद उसके दादाजी ने कह दिया मतलब ये दुष्यंत तो बदनाम इतना हो गया कि हम इसको पार्टी के अंदर ले नहीं सकते। चुनाव लोग समझ चुके हैं भाई, चाहे टाइम पर दुष्यंत चौटाला फिर आवेंगे और ये बोले कि मेरी बहुमत सरकार को नहीं थी, 10 सीट थी जितनी थी उतना काम कराया, अगर बहुमत सरकार आवे तो फिर काम कराऊंगा, फिर के रिएक्शन होगा। एक मिनट, अगर दुष्यंत ये होता ना कि मतलब उसने वास्तव में जनसेवा करनी है तो वो मलाई वाले महकमे नहीं लेता, उसके पास महकमे कौन से जिसके अंदर मलाई आती है, अगर उसने किसानों की मदद करनी तो कृषि मंत्रालय उसके पास होना चाहिए था और जो दूसरे मंत्रालय जिनसे जन लोगों को मतलब फायदा हो सके वो मंत्रालय उसके पास होने थे। लोग समझ चुके हैं भाई, चाहे इन अल्लू ने दे लिया चाहे दुष्यंत ने, जाने बीजेपी का लोग ही समझ गए सारी भाषा, भाई चाहे इन अल्लू ने दे लिया चाहे दुष्यंत ने दे लिया चाहे किसी ने दे लिया, जाने बीजेपी में इब की बार तो हमारा एक को नारा चल लगा भाई उसकी वोट देंगे जो बीजेपी नारा होगा, चाहे कोई कोई सब मामे पार्टी का नामा में कौन सी पार्टी के समर्थक नामा में किसी पार्टी का विरोध कर देना, हम तो उसकी हम तो बस उसकी वोट देवांगे बस वो बीजेपी नारा होगा सीधा से अभी है। खिलाड़ियों के लिए आज क्या कहना चाहते हो, खिलाड़ी बड़ी आस और उम्मीद तक खटखटोला पहुंचेंगे, खिलाड़ियों के लिए यही कहना चाहते हैं भाई, खिलाड़ियों के साथ पूरा समाज 36 बिरादरी खिलाड़ियों के साथ है, आपको न्याय जरूर मिलेगा, टाइम लगेगा, वक्त समय के अकॉर्डिंग आप घबराए ना, आपके साथ पूरा समाज खड़े और जरूर 100% न्याय मिलेगा, क्योंकि जी बहुत समय हो गया, इतना समय तक खिलाड़ी बैठ सकते उनके तैयारी भी करनी होगा खेलना खातर, समय क्या हो, हम तो 13 भी न लड़का है यहाँ जी, वो अलग बात ही लेकिन खिलाड़ियों का तो भविष्य की बात है, सरकार चाहेगी नहीं भाई 13 भी न लड़वावेंगे, 13 भी न लड़ लेंगे कोई बड़ी बात नहीं, गणी हरी कैली को नहीं आ रही हमने, ठीक है प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो लड़ाई है चलती रहेगी, लड़ेंगे और हम खिलाड़ियों के साथ बेटियों के साथ खड़े हैं और बिल्कुल भी पीछे समाज नहीं हटेगा और 36 बिरादरी इस के अंदर मतलब खिलाड़ियों के पीछे खड़ी है, जो मतलब ये राजपूत और जो जाट का जो ये लड़ाई करना चाह रहे हैं इस प्रकार की समाज के अंदर कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत से राजपूत लोग हैं वो भी जो खिलाड़ियों के समर्थन में, ये तो सारा पूरी की पूरी 36 बिरादरी खिलाड़ियों के साथ खड़ी है, कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा तो क्या उसका है, बड़ा फैसला तो जो है जो खिलाड़ी हैं जो उन वो जो फैसला लेके पूरा का पूरा समाज उन्हीं के पीछे खड़ा है, बिल्कुल ये जो उनकी जो कमेटी है जो खिलाड़ी है जो फैसला ले गए वो हम मतलब बिल्कुल यहाँ से अगर वो सर उतारने के लिए कहेंगे ना ब्रिजभूषण का तो सर भी उतार के लेके आएंगे, जो हमारे वो जो फैसले जो बेटी डिमांड करेंगी वही डिमांड पूरी की जाएगी समाज की तरफ से, कोई कमी नहीं रखे। अभी फिलहाल की बात करूँ तो उनके मकान के आगे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी, वहाँ से गुजरने भी दे रहे हैं किसके, ब्रिजभूषण के, वो तो सिक्योरिटी का तो नहीं गुजरने का तो हमने ब्रिजभूषण का क्या मतलब क्या है, वो अलग मुद्दा के मतलब ब्रिजभूषण के साथ हमने कोई मतलब हिंसक कोई वो मतलब चीजें तो हमने सिक्योरिटी की बात इतनी बढ़ाई जा रही है, मतलब जेल में होने की बजाय अगर किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा है जांच होनी चाहिए उसके होने चाहिए, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, ये तो हमने कहा है कि मतलब सरकार की संरक्षण है उसके पास सिक्योरिटी, लोग अब जैसे मैं बताऊंगा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी तो भाई कैमला में खट्टर की भी दी थी, गया होगा उसमें वो गेहूं मोगो गया होगा धन खड़ो और गए होगे साफ जी जी, अपने आप आवागे नहीं बस सिक्योरिटी सारी आप बैठ जाएगी, इब लग दो हाथ जोड़ के काम चला रहे हैं भाई, दे दो दे दो सिर तो ऊपर हो जाएगा जी, सिक्योरिटी खड़ी नहीं पाते, 7 सितंबर तक नाल भी थी उधर ने भाइयों ने झंडी पैट दी थी और भाई साहब फांसी नहीं आओगी इतना को नहीं पैंडा छोटा मारा साला को लगता है इतना मारे बाण बैठ गई इज्जत नहीं होगी, ठीक ये किसान का बेटा का वादा है, इतना फैसला अटल फैसला नहीं होगा, इतना चाहे मारपा गोली चल लो चाहे आंसू गैस चल लो, जो बस्ताड़ा टूल टैक्स पता है मारपा लाठी चार जो था और वो भाई कादिल साहब कुर्बान हुए थे माम ओड़े उसका संस्कार पर गए, उसकी वो बोली बोला जी आप क्या करोगे, महाबे तेरे उसकी आत्मा को शांति दे भगवान ने आराम इसने सफल करके छोड़ देंगे, 7 सितंबर ने झंडे पटवा दिए थे हमने, ये सारे किसान भाइयों के हुआ है 36 बरादरी का वादा है, इतना हमारी बेटियां ने नहीं न्याय मिलेगा, इतना पाछा नहीं टांगे चाहे गोली खानी पड़ो चाहे कुछ भी करना पड़ो, इनकलाब जिंदाबाद। आज बड़ी राम राम कह रहे हो वो उसका सिक्योरिटी लग रही है उसके पास है भाई, जब यू किसान मजदूर हमारी बेटियां के साथ उबड़गा चाल लगा नहीं उसकी सिक्योरिटी के उसकी मकान की में जो ईंट है नहीं ईंट भी नहीं छोड़ांगे, जिस टाइम हमें अपने आप आवेंगे हाँ मैं सोच रहे हैं भाई शांतिपूर्वक से हमारी बेटियां को निशाप मिल जाओ, और मोदी ने भी यही कह रहे हैं मोदी जी
आप निशाप दे दो, नहीं निशाप दोगे तो एक चमची एक कटोरा देकर यहाँ से बाहर से दूर कर देंगे, छोड़ा नहीं गया। 2024 में ऐसी चोट मारेंगे दुनिया देखती रह जाएगी। नहीं भूलांगे बेटा, यू दर्शा नहीं भूलांगे, यू दर्शा तो हमारी पीढ़ी आने वाली है, नहीं मैं भी नहीं भूला गिर ताऊ और दबू ले नहीं सकते बेटा इस बात ने। और हमारा भारत देश आजाद बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, पेंशन बढ़ा देंगे, यहाँ कर देंगे, वहाँ कर देंगे, ये लालच नहीं होगा। नहीं आप इस लालच में नहीं बढ़ांगे, इस लालच में नहीं बढ़ांगे बेटा, इस लालच में नहीं बढ़ांगे बेटा। हमें हमारे मुद्दा भी हमारी बेटियों का बारे में, हमारे किसानों के बारे में, हमारी युवा के बारे में, हमारी फसल का बारे में, हमारी जमीन का बारे में लड़ाई लड़ांगे, हक की लड़ांगे। ना मामे किसी की भी बकाई मांगे, ना मामे इनका एक रुपया चंदा, 2000 यू देवा है नहीं, यू मारे जब मामले इसकी जरूरत को नहीं तो कद देवा है ना, मामले इसके 2 दड़ी देने की जरूरत है। मामले जरूरत से हमारे युवा की, हमारी बेटियों की इज्जत की, हमारा भारत देश रहना चाहिए, हमारा जो भारत देश पहली जिस स्थिति में था उसे स्थिति में रहना चाहिए। और इनती दुष्यंत खट्टर और योगी इनती दो भाई हमने ठान ली, एक कटोरा और एक चमची देवांगे और कुछ नहीं का पल्ले जोड़ा का जान दो नहीं जाड़ा लेवांगे, और जो भैया बात देंगे नहीं इनकी चप्पल पहन का मौका नहीं देवांगे। कटोरा पहुंचे हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे हैं, बातचीत करी है। आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और आपके सोच विचार क्या है आपने कमेंट में देने। ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। वंदे मातरम।